काबू लुहान हुआ मार्क हैरिस का हाथ, नहीं झेल पाए बेन स्टोक्स की शॉर्ट गेंद, देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए। दोस्तों, एशेज टेस्ट सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच का पहला दिन खत्म हो चुका है। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। ऑस्ट्रेलियाई टीम का यह फैसला गलत साबित हुआ और इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के सामने पूरी तरीके से घुटने टेक दिए। दोस्तों, वहीं मैच के दौरान ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज मार्क हैरिस के साथ एक दर्दनाक घटना घट गई। दोस्तों, बेन स्टोक्स की शॉर्ट गेंद को खेलने के चक्कर में मार्क हैरिस खुद को चोटिल कर बैठे। आलम यह रहा कि मार्क हैरिस की उंगली से खून बहने लगता है। हालांकि उनकी ये चोट ज्यादा गंभीर नहीं थी, जिसके चलते उन्होंने दोस्तों बल्लेबाजी कंटिन्यू करी। और दोस्तों, मार्क हैरिस को जैसे ही गेंद लगती है वैसे ही उनके चेहरे पर दोस्तों दर्द साफ देखा जा सकता था। मैच की बात करें तो दोस्तों इंग्लैंड की टीम अपनी पहली पारी में महज 185 रन पर ऑल आउट हो गई। दोस्तों, आप हमारे वीडियो में कुछ खास फुटेज देख सकते हैं किस तरीके से मार्क हैरिस के दोस्तों उंगलियों से खून निकल रहा है और दोस्तों वो बहुत ज्यादा दर्द से कहरा रहे हैं। इस वीडियो में यही अपडेट, इसको लेकर आप क्या कहेंगे दोस्तों, अपनी राय और कमेंट जरूर दीजिएगा। हम आपको मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।